हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम जयदा सिंह। अभी आज की मारण क्रिया की प्रक्रिया भी पूरी हुई। अभी थोड़ी बहुत पूजा बाकी है, लेकिन मेन पूजा हो गई है, क्योंकि अभी फिर मैं समुद्र के किनारे जाकर काम करूँगी। और यहाँ पे जो तीन ताले हैं, इसे मैं समुद्र में प्रवाहित करूँगी। आप देख रहे होंगे, शक्तियों ने मुझे अभी एक अच्छा सा संकेत दिया है। देखो, पहले भी मुझे बर्बाद करने के लिए मेरे कुछ अपने ही लगे थे, पता नहीं क्यों। पता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कैसा लगता है कि मैं उन्हें बर्बाद करना चाहती हूँ। वो लोग जिससे प्यार करते हैं, रहते करते हैं, मैं उन्हें उनसे छीनना चाहती हूँ, जो कि मेरी ऐसी मनसा बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ अपने काम में ध्यान देती हूँ। पहले भी यही हुआ था, पहले भी मैंने मैंने कुछ अपनों के लिए हमेशा अपने आप को तत्पर रखा था, लेकिन हमेशा वो लोग पैसे मांगना, ये मांगना, वो मांगना। जब इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, तो उन्होंने मेरे पीछे आदमी छोड़ दिया, मारने को ही कर दिया। तो मजबूरन मैंने तो कुछ किया नहीं, ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं था, भगवान ने उन्हें सजा दे दी। फिर कोई अपने मेरे पीछे पड़े हैं कि इसका नाम खराब हो, ये हो, वो हो। आपको क्या लगता है, मैं सच के साथ हूँ? मैं आज बताऊँ आपको, मैंने अभी अपनी शक्तियों को यही कहा है कि मेरा अपना कौन है मुझे नहीं पता। बहुत बड़ी दुनिया है, मेरा अपना कौन है जो मुझे बदनाम करना चाहता है, मुझे गिराना चाहता है, या ये चाहता है कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊँ? तो मेरी ज़िंदगी दुनिया के लिए, यूट्यूब के लिए। मैं चाहती हूँ, जैसे मैंने 10 लड़कियों की शादी की, वैसे मैं आगे जाके 500 लड़कियों की शादी करूँ। बहुत कुछ करना चाहती हूँ लोगों के लिए, बहुत कुछ लोगों के लिए करना चाहती हूँ, बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए करना चाहती हूँ, बहुत कुछ मैं अपने परिवार के लिए करना चाहती हूँ। हर एक इंसान का एक सपना होता है कि उसकी 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाएँ, राज करें। इस चक्कर में कितने लोगों ने मेरे तक तो आने की कोशिश की कि मेरे अपने खास, जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। इस दुनिया में कहते हैं ना, इंसान की हर एक कमज़ोरी होती है। पहले मेरे केशों को तो लोगों ने छीन लिया, उसको छीनते समय ज़रा भी उनको दुख नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरी और भी जो भी कमज़ोरियाँ उन पर अटैक करने को देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसकी कमज़ोरी पर अटैक करो तो ये होगा। मैं आज खुलेआम अपनी शक्तियों को कहा है कि अगर आप मेरे अपनों में, अगर मेरी खुद की सगी औलाद भी क्यों ना निकले जो मेरे लिए बुरा सोच रही है, तो आप उसे उठा लो। देखिए, जंग, प्यार और जंग में सब जायज़ है। अगर मैं अपने आप को, मैं ये बात बता रही हूँ अपनों की बात, क्योंकि इंसान बहुत जल्दी ये सब बोलने से डरते हैं, लेकिन मैं ये सब बात में नहीं डरती हूँ, क्योंकि मैं जितनी मेहनत करती हूँ मेरे परिवार के लिए, मेरे यूट्यूब के लिए, उतनी मेहनत आज की तारीख में कोई नहीं करता। और इतनी बड़ी अघोरी पद को पाने के लिए मैंने बहुत सेक्रीफाइस किए। इस सेक्रीफाइस को करते करते मैं यहाँ तक पहुँची, और फिर इधर तक पहुँचने के बाद अगर कोई मुझे नीचे बिठाने को सोचेगा, तो फिर उसका मर जाना ही बेटर है, चाहे फिर वो कोई भी हो, एनीथिंग हो। और फिर मैं ये भी कहूँगी कि जो मेरे अपने मेरे पीछे पड़े, मेरे अपनों को जो लोग कोशिश करते हैं दिमाग में डालने की, जो लोग ये चाहते हैं कि विद्या देवी बे औलाद हो जाए, विद्या देवी बर्बाद हो जाए, विद्या देवी का सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो मैं भी यही चाहूँगी कि जिस तरह से मैंने कहा कि अगर इस मामले में मेरी खुद की औलाद भी मेरा बुरा सोचती होगी ना, तो भगवान उसको भी ऊपर बुला ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गलत है तो गलत जाएंगे। लेकिन उसके चक्कर में मैं ये भी कहूँगी कि जिस तरह से लोग मुझे बे औलाद करने को सोच रहे हैं, मुझे बर्बाद करने को सोच रहे हैं, वो भी बे औलाद हो जाए। तो जो भी मेरा वीडियो इस वक्त देख रहा है, मुझे पता है मेरे हेटर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं एक बार बता देती हूँ कि आने वाले समय पे तुम बे औलाद होने वाली हो, या होने वाले हो, जो भी हो, आदमी औरत मुझे तो पता नहीं, लेकिन होने वाले। जिस तरह से तुमने हमेशा सिर्फ और सिर्फ विद्या देवी को बर्बाद करने के लिए सोचा है, आने वाली ज़िंदगी में तुम्हारे पास तो ऐसी भी कुछ नहीं है, और तुम्हारे पास ऐसी भी ज़िंदगी भर कुछ नहीं रहेगा। ये मेरा वादा है, ऐसी बात है, क्योंकि मेरी शक्तियों ने कहा है कि आने वाले समय पर शक्तियाँ जिस तरह से मेरे साथ हैं, मेरी शक्तियाँ ऐसी हैं कि अगर मेरे खुद के घर में, मैं अपना ही सैंपल दूंगी, अगर मेरे खुद के घर में बच्चे भी मुझे परेशान करते हैं, तो शक्तियाँ उन्हें भी बीमार कर देती हैं। तो मेरी शक्तियों ने कहा है आने वाले समय पे हो सकता है कि तुम्हें एक बहुत बड़े दुख का सामना करना पड़े। दुख का सामना ये करना पड़ सकता है कि कोई ही तुम्हारा अपना, जो तुम्हारे पीछे नहा धो के पड़ा है, उसकी मौत हो सकती है, और तुम्हें ऐसा लगेगा। हो सकता है दुनिया तुम्हारे पर हंसे भी कि ये लोगों को बुरा सोचती थी, इसके साथ हो गया। मैंने तो कोई बुरा सोचा नहीं, एक बात तो पक्की है, जैसे को तैसा, सबको अपनी जान प्यारी होती है, एक बात समझ जाना। इसलिए मैंने कहा कि ये जंग जीत की है, और ये जंग मेरे स्ट्रगल की है। मैंने यूट्यूब पे यहाँ तक अपना नाम कमाने के लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं आज सामने से अपनी शक्तियों को आदेश दिया है कि इस बीच में एनीथिंग, कोई भी आए, आप उसको ले लीजिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, होगा अगर कोई एकदम मेरा कोई अपना खास एकदम नज़दीक का होगा, तो शायद मुझे दुख हो सकता है, लेकिन उस दुख में मैं अपने आप को ये भी समझाऊँगी कि मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं है, मेरी ज़िंदगी बहुत लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि मैं जिस तरह की मेहनत कर रही हूँ, उस तरह से मैं लोगों की बहुत मदद करना चाहती हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ उस बड़े काम के लिए। और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी आने वाली 7 पीढ़ियाँ हमेशा राज करें, ऐसी बात है। तो कोई बात नहीं,
जैसे को तैसा। तुम मुझे बर्बाद करने को सोच रहे हो, मुझे बेऔलाद करने को सोच रहे हो। आने वाले समय पे बहुत जल्द दिवाली के पहले तुम बेऔलाद हो चुके होंगे, जो भी मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं। और जो मेरे अपनों का संकेत मेरे शक्तियों ने दिया है, तो मैं अपने शक्तियों को यही कहूँगी कि कोई मेरा अपना कोई भी हो, लेकिन अगर वो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, जब वो सोच रहा है कि मैं बर्बाद हो जाऊँ, तो उस इंसान को जीने का कोई हक नहीं, उसकी भी मौत हो जाना ही बेटर है। ठीक है, तो जैसी करनी वैसी भरनी। जय माता दी।